जिनके हाथों में पतवार है, जिनके हाथों में पतवार है, उनका संदिग्ध किरदार है। आने वाले समय में ये जंतर मंतर पार्लियामेंट उन सांसदों विधायकों सबका घर का घेराव होगा। जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था, आज वही हो रहा है। आप कहते हो संसद जिसे हस्तिनापुर का दरबार है, वहां पर दशरथ से लेकर के कितने बाहुबली कितने राजा महाराजा बैठे थे। देख रहे हैं आज हमारे बहनों के साथ क्या हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। लूट ले बहनों की अस्मिता, देश के हुक्मरानों ने खोई हुई बेटी का विश्वास दिलाने आया हूँ। यानी कहने का मतलब एक गिरोह है, ये एक गिरोह है। जैसे जय भवानी और डाका डाल दिया गया, जय भवानी अब जय श्री राम करके कतर दो, जय श्री राम करके कतर दो। ये क्या है, ये इसको बंद होना चाहिए। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, रविंद्र कुमार भारतीय, प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड। मैं वाकई गरीब मजदूर शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ कैसे दब गई, जो बार बार आप पूछते हैं कि इसके बारे में बोलिए, तो ये अंधी बहरी गूंगी सरकार जो किसी तरह का जवाब नहीं दे रही, यानी जैसे कहते हैं बेशर्मी, उस पर मैं 4-6 लाइनें बनाया हूँ कि वर्तमान में हो क्या रहा है। कोई गुलशन है कोई चेहरा है, कोई गुलशन है कोई सेहरा है, जैसी फितरत है वैसा चेहरा है। राजनीति की फितरत जो है मेरे दोस्तों बदल गई है। जिनके हाथों में पतवार है, जिनके हाथों में पतवार है, जिनके हाथों में पतवार है, उनका संदिग्ध किरदार है, उनका संदिग्ध किरदार है। आप कहते हो संसद जिसे, आप कहते हो संसद जिसे, आप कहते हो संसद जिसे हस्तिनापुर का दरबार है, हस्तिनापुर का दरबार है। जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था, आज वही हो रहा है। वहां पर दशरथ से लेकर के कितने बाहुबली कितने राजा महाराजा बैठे थे, मगर सबकी जबान बंद थी। आज सबकी जबानें बंद हैं, मगर शुक्र है मेरे देश का कि जब जब इंकलाब बोला है नौजवानों का दिल डोला है। न्याय का स्वांग मत कीजिए, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, न्याय का स्वांग मत कीजिए, न्याय का स्वांग मत कीजिए, आदमी अब समझदार है, आदमी अब समझदार है। और कुछ हो न हो देश में, सब कुछ लुट गया है, कुछ बचा नहीं है। सरकारों में किसी तरह की नैतिकता नहीं बची है, बाहुबलियों का, गुंडों का, माफियाओं का प्रदेश में देश की राजधानी पे कब्जा है, कैसे आप उम्मीद करेंगे। और कुछ हो न हो देश में, अभी हिम्मत है, आप में जज्बा है, सब में जज्बा है, दिख रहा है। और कुछ हो न हो देश में, और कुछ हो न हो देश में, इतना काफी है सरकार है, इतना काफी है सरकार है। आपके एक वोट से रानी राजा का जन्म होता है, देश की व्यवस्था का जन्म होता है, भारतीय संविधान कानून के तहत इम्प्लीमेंट होता है। मैं खास करके मीडिया के बारे में
जो आज मीडिया था, अगर हमारा मीडिया अपना जेन्युइन काम करता होता, मीडिया मेंस कवि होते थे, अगर वो काम करता होता तो आज ये नौजवानों की माँ बहनों को ये जगह जगह नहीं करना होता। झूठ को झूठ लिखता नहीं, झूठ को झूठ लिखता नहीं, राजधानी का अखबार है। मुझे गर्व है कि मेरी बात मेरे नौजवान भाई ने एक राजधानी से निकाल दिया। जो चरित्र चित्रण सरकार का चल रहा है मैंने पूरा बयान कर दिया। आगे जो चल के आ रहा है, राह नापने चले थे राह नापते रहे, यानी मैं बन जाऊं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इतने वादे इतने जुमले कहाँ चले गए मोदी जी? देश ने आप पर भरोसा किया था। राह नापने चले थे राह नापते रहे, राह नापने चले थे राह नापते रहे, और बस तमाम उम्र धूल फांकते रहे, और बस तमाम उम्र धूल फांकते रहे। हादसा चमन में पहली बार ऐसा हो गया, हादसा चमन में पहली बार ऐसा हो गया, आंधियां गुजर गईं दरख्त ताकते रहे। ये जो ब्रजभूषण सिंह दरख्त है ना, जिसको कहते हैं कुछ नहीं होगा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आने वाले समय में ये जंतर मंतर पार्लियामेंट, उन सांसदों विधायकों सबका घर का घेराव होगा, गांव गांव जन आंदोलन होगा। हमें नहीं चाहिए अभी न विकास चाहिए न कुछ चाहिए, सबसे पहले हमारे भारत देश के प्रत्येक नागरिक का मान सम्मान चाहिए, हमारे बेटियों का मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। ये वही बेटियाँ हैं, ये वही देश का गौरव हैं, जिनको जब ये देश विदेश में जाती हैं और भारत का नाम रोशन करके गोल्ड लाती हैं, सोना लाती हैं, बड़े बड़े तमगे हासिल करते हैं, तब वही मोदी जी, वही सारे लोग इनका इस्तेमाल करके भारत की शान बनाते हैं। और जब आज वही बेटी के साथ अन्याय हुआ तो आप खामोश धृतराष्ट्र की तरह, तो इसका बंद कर दीजिए और चुप्पी तोड़ो। नहीं नहीं नहीं, मन की बात बहुत हो गई, मन की बात से लोग छक गए, अब जन की बात करो, सामने आकर के मर्द हो तो बात करो, अब मन की बात से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, मन की बात से खत्म खेल, अब जन की बात करो, सामने आओ। आपकी आवाज के साथ साथ आपकी जो लाइनें हैं उनमें दम है, कब से लिखने लग गए हैं अपने बारे में पूरा बताओ। ये सर मैं अपने जीवन की अगर व्यथा बताऊं तो उसमें बड़ा समय लगेगा, यानी समझा नहीं गया। अगर आपने काम बेहतर किया है और आपको अगर आज समझ लिया गया तो हो सकता है आपकी लाइन बर्बाद न जाए। और आप जो जज्बा है ना, जैसे लड़का बोल रहा है, ये जैसे लड़के ने गीत गाए, ये जज्बे के भगत सिंह के गीत गा रहा, ये गीत तो हमारे यहाँ से बच्चों सदियों से चले आ रहे हैं। तो जो ये हुआ तो चार लाइनें इस पर भी बोलता हूँ। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी दर बदर, और गमे आशिकी तुझे क्या पता हम कहां कहां से गुजर गए। पागलों ने इस देश का इतिहास रचा है और वो दिन आने वाला है कि किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, पागल बनना होगा, न्याय स्वार्थ निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके जाति धर्म मजहब मतभेद भुला करके आप निष्पक्ष जनता की आवाज़ बनिए। वो दिन जल्दी आएगा कि ये जो दानों रूपी सरकारें हैं इनका पतन होगा और एक इंसाफ फरोश भारतीय संविधान पर आधारित सभी के मान सम्मान स्वाभिमान हक अधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार का जन्म होगा। सिर्फ सियासत के लिए बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं जी, जी, सियासत इसमें भी होने लग जाती है आंदोलन। नहीं तो मैं देख रहा हूँ सियासत में, यहाँ किसी को ऐसे नहीं आना चाहिए। अगर पार्टियाँ भाई, एक तो पहली तरफ से आप सब समर्थन करो पार्टी उसके तहत, और अगर आना है तो एक प्लान के तहत आओ कि ये जंतर मंतर का वो रोड और ये रोड ये सारा भर जाए, तब हम माने कि प्रियंका गांधी आई, तब माने कि हम भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी आए, और तब माने कि जितने लोग आ रहे हो तुम इनके पक्ष में फेवर में दे रहे हो, बात कर रहे हो, मगर आप अकेले नहीं हो, आप एक जनप्रतिनिधि हो, एक पार्टी के एक आप बहुत कद्दावर लोग हो, अगर बात पड़ जाती है तो आप हजारों लाखों का हुजूम बना लेते हो। तो आज इससे बड़ी बात क्या है, यहाँ हमें पार्टीवाद क्या दिखाना है, यहाँ तो हमें बहनों के लिए खुल करके आ जाना है। अगर एक बार अन्याय का सर कुचल दिया गया मेरे मित्रों,
तो शायद पार्टी भी बच जाएंगी और संविधान भी बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे और आप भी बच जाओगे। रहने वाले हैं आप? मैं जनपद बांदा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का रहने वाला से आए हैं। जी 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 बांदा तो जो कह रहे हैं बहुत समय से लिखते रहे हैं, ऐसी मतलब कुछ बताइए, कोई और लाइनें बताइए जिसकी वजह से आप काफ़ी चर्चा में हो, आप मंचों पर भी सुनाते ही होंगे। जी 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 मैं मंच का कभी कभी था, मगर क्या होता है मैं श्रमिक प्रकोष्ठ में जब से आ गया, गरीबों की आवाज़ बन गया, तो मेरी काफ़ी याददाश्त चली गई। मैं चार लाइनें बोलता हूँ। अन्याय सह करके चुप बैठे रहना, अन्याय सह करके चुप बैठे रहना, ये महादुष्कर्म है। ये मेरे अंदर भी होना चाहिए, आपके अंदर भी होना चाहिए, पूरे सबके लिए, चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक। अन्याय सह करके चुप बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायात अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तब राजा होगा, तब वो जिम्मेदार कहलाएगा। अगर अगर अपने भाई को भी वो सजा दे सकता है तब मानेंगे कि न्याय पर राजा है ये। मगर यहाँ अन्याय सह करके चुप बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायात अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों में रण हुआ, इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों में रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कलपत्र का कारण हुआ। आज डिजिटल इंडिया चल रही है, मेक इन इंडिया चल रही है, और एक तरफ हमारा 80% समाज अशिक्षित भुखमरी बेरोजगारी में तबाह होकर के जीवन उसका नरक हो रहा है। कैसी व्यवस्था है, कैसा शासन है! इससे अच्छा तो भाई अंग्रेज बेहतर थे, इससे अच्छा तो अंग्रेज बेहतर थे, जो तुम्हारी तमाम ऐसी योजनाओं को मुँह तोड़ जवाब देते हुए सिद्ध बंद कर दिया। आप तो एक अपराध के खिलाफ नहीं खड़े हो पा रहे, तो क्या आपसे उम्मीद करें? अब तो वही है कि ऐसे हिटलर शाही तानाशाही सरकारों को सभी दल राजनीति छोड़ करके एक तरफ से उखाड़ फेंकना चाहिए, ताकि इनका भी मनोबल गिरे और राजनीति में ऐसे बाहुबलियों को किंचित टिकट फिकट ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हम लोगों को कहीं समझ लिया गया होता तो हो सकता है कि आगे कुछ अच्छा होता। अगर हमें सांसद विधायक बनने का शौक होता तो न जाने कितने आफर आए हम बन गए होते। मगर क्या मतलब है इसी सांसद में पहुंचने का, जहां 1 करोड़ लगा करके 5 करोड़ लगा करके लोकसभा में जाने का मौका मिले, विधानसभा में जाने का मिले, तो क्या मैं साधु रहूंगा? तो अगर जज्बात समझने हैं तो जनता की आवाज़ बननी चाहिए। जितने भी हैं या जो जिनका जो काम है, जो जनता के हित में हमेशा खड़ा होना चाहिए, आज केवल सत्ता का पक्ष लेते हैं, उसमें तमाम बातें हैं। देखिए, जाति धर्म मजहब, पहली बात तो हमारे यहाँ जाति समाप्त हो जानी चाहिए। जिस दिन जाति समाप्त हो जाएगी उस दिन पार्टियों का काफ़ी लोगों का अंत हो जाएगा। जाति धर्म मजहब में हम आपस में बटे हैं। मुझे कल ही पता चला, मैंने वीडियो देखा कि उनके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ विधायकों का समर्थन आ रहा है, तरह तरह के राजनीतिक लोग उनके समर्थन पर उतर रहे हैं। क्या है ये? यानी कहने का मतलब, एक गिरोह है ये, एक गिरोह है, जैसे जय भवानी और डाका डाल दिया गया, जय भवानी अब जय श्री राम करके कतर दो, जय श्री राम करके कतर दो। ये क्या है ये? इसको बंद होना चाहिए। भारत हमारा देश, भा मीन्स ज्ञान और रत मीन्स लगातार। इसमें कोई लाइनें हैं जय श्री राम लिख पे जो नहीं, जय श्री राम हमारा, जय श्री राम का जो आंतरिक एक नारा है, जय श्री राम एक हमारा आदर्श है। मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ, हो मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाए आया हूँ, सोए हुए भारत का अरमान दिलाने आया हूँ, मैं मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ। भारत जिंदाबाद रहेगा इंकलाब के नारों में, भारत जिंदाबाद रहेगा इंकलाब के नारों में, लूट ली बहनों की अस्मिता देश के हुक्मरानों ने, लूट ली बहनों की अस्मिता देश के हुक्मरानों ने। देख रहे हैं आज हमारे बहनों के साथ क्या हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। लूट ली बहनों की अस्मिता देश के हुक्मरानों ने, खोई हुई बेटी का विश्वास दिलाने आया हूँ, मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ, मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ। भारत माता रोई है देश के गद्दारों से, भारत माता रोई है देश के गद्दारों से, बने मुखौटा सेवक का लूट बचाने वालों से, बने मुखौटा सेवक का लूट मचाने वालों से। भारत माँ का कर्ज चुकाने, भारत माँ का कर्ज चुकाने तुम्हें जगाने आया हूँ,
मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ, मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ। धर्मवाद और जातिवाद में कब तक बटते रहोगे, धर्मवाद और जातिवाद में कब तक बटते रहोगे, फूट डाल शासन करने की नीति सहते रहोगे, फूट डाल शासन करने की नीति सहते रहोगे। उठो साथियों जगो साथियों, उठो साथियों जगो साथियों, अपना फर्ज निभाना है, भारत माँ की रक्षा में प्राणों को बिसराना है। सोए हुए भारत का अरमान जगाने आया हूँ, मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ, मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ। सोए हुए भारत का अरमान दिलाने आया हूँ, सोए हुए भारत का अरमान जगाने आया हूँ, सोए हुए भारत का अरमान जगाने आया हूँ, मान दिलाने आया हूँ, मान दिलाने आया हूँ। बस यही है, मेरी बहनों का सम्मान है, मेरी बेटियों का सम्मान है, यही मेरा सम्मान है। कवि से आप प्रेरित हैं? बिल्कुल, मेरे आदर्श कवि दिनकर जी हैं। बाकी हर व्यक्ति वो आदर्श है जो देश के लिए लिखता है, देश के लिए काम करता है, देश के लिए मरता है, और देश ही उसके लिए जीवन है, वो मेरा आदर्श है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।